दोस्तों अभी मैं YouTube में कुछ वीडियोस देख रहा था और मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे थे जो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स को मैंने बताया जहां बहुत ही सस्ते दाम में बहुत सारी चीज़ों को मंगा सकते हैं जब मैंने इंक्वायरी किया तो उसमें से एक वेबसाइट था डीओ डैप करके और जब मैंने इंक्वायरी की तो मैंने पाया कि एक तरह को स्कैम ही कर रहे थे क्योंकि जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं अपने कार्ट पे तो आपको प्राइस बहुत कम दिखता है बट जैसे फाइनल प्राइस पे करने जाएंगे बहुत सारे टैक्सेस डिलीवरी चार्ज वगैरह मिला के आपको प्राइस बिल्कुल सेम पड़ जाएगा जो आपको बाहर भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस आपको पड़ेगा और साथ ही इतना ही नहीं जब आप उसमें ऑर्डर करेंगे तो बहुत सारे यूजर्स के कमेंट्स कुछ इस तरह थे कि उनको ऑर्डर करने के बाद उनको प्रोडक्ट मिला ही नहीं तो मैं सोचा क्यों ना अपने यूज अपने व्यूवर्स के लिए कुछ ऐसा लिस्ट बनाया जाए कि आप बहुत ही कम दाम में अमेजन पे सिक्योरिटी के साथ प्रोडक्ट मंगा सकते हैं और मैं बात कर रहा हूं आज मैं लेके आऊ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो आप मंगा सकते हैं सिर्फ

तो सर प्रोडक्ट नंबर वन ये आपके सामने देख सकते हैं ये कुछ ड्राई फ्रूट्स कटर है और जिसका प्राइस नाइनटी नाइन रुपीज़ है आप हाँ देख सकते हैं और मुझे भी ये नाइन्टी नाइन रुपीज में मिला है सौ रुपए से एक रुपये पूरे कम और देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखता है प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आता है अलग अलग पार्ट्स में और बॉक्स में कुछ खास है नहीं आपको सौ रुपए में और क्या ही देंगे वो और यहाँ कुछ ब्लेड्स वगैरह लगे हुए यहाँ पर पीछे देख सकते हैं इस तरह से और इस तरह से इसका जो ऊपर का जो कैप है कुछ इस तरह से यहाँ दिया हुआ है मैं फटाफट आपको ड्राई फ्रूट्स डाल के दिखाता हूँ कि काम कैसे करता है तो यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने ले लिए हैं काजू और कुछ भी चाची और मैं सबको यहाँ डाल देता हूँ और इसको कुछ नहीं करना आपको बस इसको इस तरह से इसके अंदर लगाना है और इसको इस तरह से कुछ मूव करना है आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से स्लाइस कर रहा है और देख सकते हैं आप आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ और ज़्यादा करके आपको एक आइडिया मिल जाएगा आप देख सकते हैं किस तरह से स्लाइस करता है तो अगर आप खीर वगैरह बना रहे हैं या कोई भी ड्राई फ्रूट्स का आइटम बना रहे तो इसके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है और ये जो स्लाइसर है ड्राई फ्रूट स्लाइसर आपको मिलेगा सिर्फ नाइन्टी नाइन रुपीज़ में तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ प्रोडक्ट नंबर टू है हमारे पास मल्टी फंक्शन नाइट लाइट इसकी कुछ खास बातें हैं पहले फिलहाल इस प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेता हूं कुछ इस तरह के बॉक्स में आता हो जिसके अंदर आपको एक चार्जिंग केबल मिलता है जो कि आपका नॉर्मल माइक्रो एस केबल के साथ आता है टाइप सी नहीं है और छोटी सी केबल है बिल्कुल और ये लाइट आपको यहाँ मिलता है और साथ ही यहाँ पर कुछ यहाँ पर यूजर मैनुअल छोटा सा यहाँ पर दिया हुआ है जिसके आप जिसको आप पढ़ सकते हैं और फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मैग्नेट जैसा है इसके पीछे स्टिकर इस दिया है ये स्टिकर आपकी रिवॉल्व में कहीं भी चिपका सकते हैं और उसका इसको इस तरह से मैग्नेट में चिपका सकते हैं और इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं ये आपके लिए खास हो सकता है क्योंकि इसमें आपको दो ऑप्शन मोड दिए हुए हैं फिर ऑन मोड ऑन करते इस लाइट कुछ इस तरह से काफी ब्राइट लाइट देता है इस लाइट की खास बात है कि इसमें मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है इसमें दो मोड है जैसे ऑन एंड ऑफ ऑन करेंगे तो सिंपली ऑन होगा और देख सकते हैं काफ़ी ब्राइट लाइट, लाइट है इसमें और अगर इसको आप ऑटो मोड में रखते हैं कुछ इस तरह से तो अभी तो फिलहाल लाइट जल रहा है बट लाइट जैसे ऑफ होता है फिर दिखाता हूं मैं आपको इसका कमाल अब आप देख सकते हैं इसका लाइट ऑफ हो चुका है बट जैसे सेंसन करेगा मोशन सेंस करेगा लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा तो आप इसको उन जगह पर काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं जैसे वॉशरूम हो गया वार्ड्रॉप के अंदर हो गया जैसे मोशन सेंस करेगा आप देख सकते हैं लाइट यहां ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं करना है पर जैसे आप नजदीक आएंगे लाइट अपने आप ऑन हो जाएगा तो ऐसे प्लेसेस में जैसे वॉर्ड्रॉप वगैरह में जहां पर आपको लाइट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है वहां आप इसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं और साथ ही यहां जो चार्जिंग केबल है उससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं इसको कंप्लीट

तो प्रोडक्ट नंबर थ्री ये मोबाइल नहीं है बल्कि है ये एक छोटा सा केबल जिसमें आपको टाइप सी से लेकर आप यूएसबी पोर्ट को अटैच कर सकते हैं जो कि आपके मोबाइल वगैरह में यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप मोबाइल में पेन ड्राइव यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके पास अगर लैपटॉप है या फिर मैकबुक है जिसमें आपको सिर्फ टाइप सी पोर्ट दिए हुए हैं तो उसके लिए भी आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं ये मैंने परचेस किया है एग्रो ब्रांड का और इसके लिए मैंने प्राइस पे किया है अराउंड हंड्रेड रुपीज़ हंड्रेड ट्वेंटी नाइन रुपीज़ पे किया है बट उस पर मुझे कुछ डिस्काउंट मिला और डिस्काउंट के बाद मुझे ये हंड्रेड रुपीज में पड़ा था और मुझे लगा ये डेली यूज के लिए काफी यूजफुल प्रोडक्ट हो सकता है छोटा सा प्रोडक्ट है लैंड यार्ड छोटा सा दिया हुआ है और काफी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं आप इसको तो so, दोस्तों ये छोटा सा प्रोडक्ट है नंबर फोर पे हमारे और आप देख सकते हैं इस छोटे से प्रोडक्ट आपको लग रहा हो कि नथिंग ने कहीं आ, कोई पिन ड्राइव तो नहीं बना दिया लेकिन एक पेन ड्राइव नहीं है एग्जैक्टली exactly ये है छोटी सी एलईडी लाइट जो कि काफी पावरफुल है अगर आपके घर में लाइट चल जाती है तो ये काफ़ी अच्छा आपको यूज़ हो सकता है हाल में इसको इस इस ओ केबल में लगाता है देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया उसमें भी इसको कुछ प्लेस करेंगे ताकि ये मोबाइल पर आपके कनेक्ट हो सके और कनेक्ट होते ही देख सकते हैं इसका लाइट कितना ब्राइट है अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हैं तो इसका यूज करके सेल्फी वगैरह आप ले सकते हैं कुछ इस तरह से आप को काफ़ी अच्छा ब्राइट लाइट देने वाला है मैंने कमरे की लाइट अभी ऑफ कर दी है और फिर भी देख सकते हैं कितना

नंबर फाइव पे हमने चूज़ किया है इस प्रोडक्ट को जिसके लिए मैंने पे किया है सिर्फ हंड्रेड रुपीज़ और ये है एक सोप डिस्पेंसर ये नॉर्मल सोप डिस्पेंसर से काफ़ी अलग है क्योंकि इसमें कुछ ऑटोमेटिक चीज़ें हैं जैसे कि आपको इस नीचे वाले बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड डालना है और इसको कुछ इस तरह से इसके अंदर लगाना है और ऊपर इसको जब जैसा प्रेस करेंगे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां पर जो आपका लिक्विड सोप है वो आ जाएगा तो कुछ इस तरह से देखने में दिखता है और ये साथ में आपको क्रॉस बैड टाइप का कुछ स्पंज दिया हुआ है तो हंड्रेड रुपीज में ऑप्शन मुझे काफी अच्छा लगा कि अगर आप एक लिक्विड सोप यूज करते हैं अपने बर्तन वगैरह धोने के लिए तो इसके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है सिर्फ हंड्रेड रुपीज में तो so, दोस्तों नंबर जो प्रोडक्ट है वो आपके वेब कैम को मोबाइल कैमरा को यूज किया गया था मैं देख के सोचा था कि काफी खतरनाक है और इसलिए मैंने एक प्रोडक्ट ऐसा चूज किया जो आपके डिजिटल सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप बड़े बड़े, बड़े बिजनेसमैन मार्क्स जुकस या फिर आप एलन मस्क को भी देखें तो वो भी कुछ इस तरह के टेप यूज करते हैं ताकि उनके वेबकैम को कोई और एक्सेस ना कर पाए तो उनसे बचने के हमारे पास ये प्रोडक्ट है ये वेबकैम कवर है जिससे हंड्रेड रुपीज़ में आपको तीन पीस यहाँ मिल जाता है यहाँ पर और यहाँ देख सकते हैं दो पीस मैंने ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ सो तो यहाँ पर मैंने इस वेबकैम कवर को यहाँ लगा दिया और सबसे अच्छी बात की जब भी आपको उसको एक्सेस करना है बस उसको स्लाइड करना है और आपके कैमरा का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा बट जब आप कैमरा यूज नहीं कर रहे हैं आप इसको यहाँ से सिंपली लॉक कर सकते हैं और इस तरह के ऑप्शन काफ़ी अच्छे हैं आपके डिजिटल सिक्योरिटी के लिए स्पेशली अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और ऑफिस का लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपने बहुत सारे इंसिडेंट देखेंगे ऑन रह जाता है और आपके प्राइवेट मूवमेंट शेयर हो जाते हैं तो उन सबसे बचने के लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है सिर्फ हंड्रेड में आपको भरपूर सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है डिजिटल सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है और आजकल डिजिटल सेफ्टी कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को तो पता है ही तो दोस्तों ये थे कुछ छह प्रोडक्ट जो आप बाई कर सकते हैं अमेजोन में सिर्फ और सिर्फ हंड्रेड रुपीज के अंदर और मुझे लगता हंड्रेड रुपीज में ईच एंड एवरी प्रोडक्ट काफी वर्थ है और काफी अच्छा ऑप्शन है विदाउट गेटिंग एनी स्कैम आपको कोई स्कैम नहीं इसमें फंसना है सिंपली आपको अमेजन पर जाना है मेरे जो बाई लिंक यहाँ दे दे रखा हूं मैं सारे बाई लिंक पे आपको सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे और मैं बता दूं कि दूर का किसी भी तरह का कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है तो आप जा सकते हैं चेक कर सकते हैं अगर प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा तो आप बाय कर सकते कुछ हैं आज इस वीडियो में तो हम जहां हमने डिस्कस किया प्रोडक्ट जो आप कर सकते हैं पे सिर्फ और हंड्रेड रुपीज के अंदर सो so, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स रिव्यू और अनबॉक्सिंग लेके आते रहता हूं फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड तो आप भी कुछ मिस ना करें इसलिए बेल आइकन भी दबा दें मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अपना ख्याल रखें खुश रहें बाय बाय साइनिंग ऑफ फॉर नाउ